नमस्कार, घुमुजी भर के चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शिमला पहली बारी जा रहे हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ कई जगहें बेहद खूबसूरत है। आप वहाँ की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। शिमला से कुछ दूरी पर, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, एक प्राचीन मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर में भगवान हनुमान की करीब 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे काफी दूर से देखा जा सकता है। जैसे ही आप शिमला एंटर करते हो तो इस मूर्ति को आप देख सकते हो। इस मंदिर में बंदरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लोगों को अपना पर्स, चश्मा, अन्य जरूरी सामानों को बैग में रखकर चलना चाहिए या फिर गाड़ी में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर का नाम है जाखू मंदिर। ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर मंदिर है और जो घने जंगलों के बीच में बना हुआ है। उसी तरह दोस्तों, कुफरी, शिमला से कुफरी की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। कुफरी पर्यटकों के लिए कई तरह के एडवेंचर है, जिसमें घुड़सवारी आदि शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर सेब के बागानों की सैर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। कुफरी जाते समय रास्ते में एक ग्रीन वैली पड़ती है, यहाँ रुककर जो भी लोग हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर जरूर रुकते हैं और फोटोग्राफी का आनंद उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर जो व्यू है, जो घना जंगल सामने की तरफ दिखता है, वो एक अद्भुत अद्भुत, जिसको कह सकते हैं आप, अद्भुत नजारे देता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप शिमला आए तो कुफरी, ग्रीन वैली, इन जगहों पे जरूर जाएं। उसी तरह दोस्तों, शिमला से थोड़ा दूरी पर, लगभग शिमला से 60 किलोमीटर दूरी पर नारकंडा एक जगह है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिमला जा रहे हैं तो आपको नारकंडा भी जरूर जाना चाहिए। नारकंडा हालांकि थोड़ा दूर है, लेकिन इस सफर को पूरा करने के दौरान रास्ते में मिलने वाले नजारे आपकी सारी थकान को यकीनन खत्म कर देंगे। सर्दियों के दौरान यहाँ चारों ओर बर्फ देखने को मिलती है। कई तरह के एडवेंचर के साथ पर्यटक कैंपिंग का भी मजा ले सकते हैं। वहीं आप इसके साथ साथ, यदि आप कालका से शिमला के बीच टॉय ट्रेन का मजा लेना चाहते हैं, तो आप टॉय ट्रेन में बैठ के शिमला आ सकते हैं। इस टॉय ट्रेन के सफर में बैठकर आप समर हिल, सोलन, कई ऐसी सुरंगों के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं जो कि आपके मन को मनमोह लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ जगहें थी जो मैंने आपसे साझा की, और कुछ नई जगहों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।